सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एक बार फिर से हम पोकेमोन फायरलाइट की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हमने हराया था ब्लेन को और आज हम जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट जिम बैटल की तरफ। तो गाइस, मुझे आज जाना है अपना मतलब 8 जिम बैच जीतने। हमने पहले ही 7 जिम बैचेस जीत लिए हैं, तो अब लास्ट जिम बैच और जीतना है। उसके बाद में मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं एक जिम लीडर बन जाऊंगा। ओके, तो आई थिंक वेरिडियन सिटी में था ना, कि पहले टाउन में था? आई थिंक वेरिडियन सिटी में था। आखिरी जिम बैटल हमारी यही होने वाली है। कोई एक जिम बंद था ना, वहाँ हमें जाना था। ओके, तो मैं आ चुका हूँ इस जिम की तरफ। देखता हूँ, यहाँ का एक जिम था ना, यहाँ एक बंद था। ओके, सबसे पहले मैं ये चीज़ लेने वाला हूँ। ये है क्या? ये वही तद्दू है ना जो मेरे रास्ते में लेट जा रहा था, निकल नहीं देता, कह रहा था प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये मेरी। ओके गाइस, बस हमें एक और बंदे को हराना है, उसके बाद में हम एलीट फोर की तरफ जा पाएंगे। मतलब मेरा सपना है यार हराना जल्दी से जल्दी। देखता हूँ मेरी ये वाली पोकेमोन टीम कैसा करती है। ओके, तो मैं दद्दू से पूछ लूँ। वेरिडियन जिम लीडर रिटर्न। ओके, आ चुका है वेरिडियन जिम का लीडर, वेरिडियन सिटी पोकेमोन जिम। यहाँ के क्या? अरे यहाँ के लीडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्या? अभी इधर के जिम लीडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है? कौन यहाँ का जिम लीडर? देखता हूँ अंदर जाके, वैसे अभी आइडिया नहीं है कोई। देखता हूँ गाइस अंदर जाके, देखते हैं, इससे बात करके देखते हैं। ओके, यो चैंप इज द मेकिंग, इवन आई डोंट नो द वेरिडियन लीडर्स आइडेंटिटी, बट वन थिंग सर्टेन, दिस विल बी द टगेस्ट ऑल। अच्छा, टफेस्ट है, सबसे जिम लीडर में सबसे टफेस्ट से लड़ना, ये ग्राउंड टाइप जिम लीडर है। ओके, तो यहाँ पर गाइस कुछ पजल वजल वगैरह है। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर जाके देखता हूँ क्या है। ओके ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पर रास्ता नहीं है, मुझे पता है मुझे, पर मैं ओके ओके ओके, हम इजी मैं समझ गया कैसे जाना है। एक सेकेंड गाइस, मैं समझ गया, शक्तिमान बनना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए, मुझे इससे लड़ना होगा, मुझे पता है इससे लड़ना होगा, क्योंकि बाद में रास्ता नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो हम लड़ने वाले गाइस एक बंदे दो बंदों से तो मैं निपट लूँगा, और आज हम लड़ने वाले हैं अपनी लास्ट जिम बैटल। काश मैं इसे जल्दी से जीत जाऊँ, मुझे लगता है आज मैं जीत पाऊँ जाऊँगा, मतलब सबसे टफ है ना, तो मैं तो जीतूँगा मुझे लगता है। और एक बार हम इसे जीत ले, फिर हम हराएंगे एलीट फोर को और हम बन जाएंगे फिर जिम लीडर एक। और गाइस, जो अभी पोकेमोन एडवेंचर राइड की मांगा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, तो मैं बता देता हूँ उस पर काम चल रहा है। मतलब हो सकता है इस वीडियो के बाद आ जाए, इस वीडियो के पहले आ जाए वो वीडियो, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं डाल दूंगा। तो काम चल रहा है, एक नया चैप्टर आने वाला है, 41 चैप्टर, 41 एपिसोड, 41 कह सकते हो। तो उस एपिसोड में बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया। उस एपिसोड में रेड एक चैंपियन बन चुका है, तुम सभी को पता है रेड ने ब्लू को हरा दिया है, तो वो एक चैंपियन बन गया है। तो उसे अब बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं फाइट के लिए, मतलब बहुत सारे चैलेंजर्स रेड को फाइट के लिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली रेड को एक लेटर आएगा जो मिस्ट्री है, किसका लेटर है, मतलब बहुत कमाल की बात होगी वहाँ पर, कुछ ऐसा कमाल का होगा ना तुम सभी को याद रहेगा, वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ होने वाली है। तो और रेड का सपना है गाइस एक जिम लीडर बनने का, ऐश ने मिस्ट्री से भी कहा था कि उसे जिम लीडर बनना है। ये बात तुम्हें अभी नहीं पता है, बट तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखने के बाद ये बात पता चल जाएगी। ओके गाइस, तुमने हरा दिया है माचोक्स को, एक बंदे को तो हरा दिया, कोई बात नहीं, हम निकलने वाले यहाँ से। ओके ईजी, ओके शक्तिमान बन गया है रेड, मैं इनसे बच के जाने वाला हूँ, मुझे नहीं लड़ना यार इनसे। मतलब गाइस ये वाला जिम सच में एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, जो भी हो अगर सबसे टफ है ना तो सबसे मज़ा आने वाला है इस जिम में। अब इसने बोला है कि सबसे टफ है, तो हाँ मज़ा तो आएगा ना। पिछली जिम बैटल भी हमने ब्लेन से बहुत आसानी के साथ जीत ली थी, मतलब हमारा ड्रैगनर तो बहुत काम आया था, और आई होप कि हमारा ये पोकेमोन भी यहाँ बहुत काम आए। सारे वैसे यहाँ पे ग्राउंड टाइप है, तो बेसिकली हमारे थोड़ा सा हमारे पास एडवांटेज है, थोड़ा बहुत हमारे पास एडवांटेज है। अगर गाइज मैं अपने साइकिक पोकेमोन को ले आता ना यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। देखता हूँ अगर मैं जाता हूँ अभी, मुझे क्या करना चाहिए गाइज, मैं स्विच करूँ क्या पोकेमोन? एक फायर टाइप हटा के मैं जाने वाला हूँ लेने। ओके, तो शायद मैं जाके एक अपना साइकिक टाइप पोकेमोन रख लूँ, अली का सैम रखना चाहिए मुझे। वैसे गाइज मैंने तुम्हें ना बताया हो तो मैंने अपने सारे पोकेमोन्स का लेवल बढ़ा लिया है, मतलब मैंने इतनी ट्रेनिंग करी ना कि अपने पुराने जो पोकेमोन मेरे पास पीसी में पड़े हैं मैंने उनकी भी ट्रेनिंग कर ली है, और मैंने अपने हॉन्टर को इवॉल्व कर लिया है। तुम लोग ने बोला था कि ट्रेड करके इवॉल्व होता, तो थैंक यू सो मच बताने के लिए, मैंने अपने हॉन्टर को ट्रेड किया था जिससे वो इवॉल्व होकर बन गया है गेंगार। ओके, तो मैं आईसी का यूज़ करने वाला हूँ पोकेमोन स्विच, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है। ओके, हमारा लेवल 50 का है आईसी। वैसे यहाँ पर ग्राउंड टाइप है ना, तो मेरे वाटर टाइप पोकेमोन्स काम आने वाले हैं। ओके, अटैक मिस हो गया, वरना एक अटैक में चला जाता राइडॉन, कोई दिक्कत नहीं, राइहॉर्न।
राइडोन और राइहोन। ओके वाओ, एक अटैक में जाने वाला है ये बंदा, एक अटैक में जाएगा। ओके इजी, बहुत इजी था, सुपर इफेक्टिव। अगर उसके पास भी, जिम लीडर के पास भी ऐसे कुछ पोकेमोन हुए तो वो बहुत आसानी के साथ जाएगा। रियली दया आ रही यार उस पर, दया। अभी से मेरे को ऐसा लग रहा कि दया। ओके पैरालाइज हो गया हमारा आईसी, हमें पैरालाइज हील की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं वैसे पोकेमोन सेंटर वापस जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे वापस हील करने की ज़रूरत है। ओके कोई दिक्कत नहीं, नीडो राइनो, नीडो रीना। भाई लेवल 39 की नीडो रीना, इसने इवॉल्व नहीं करी क्या? अब तक तो नीडो क्वीन बन जानी चाहिए, मतलब देख रहा हूँ लेवल 39 की नीडो क्वीन, नीडो रीना, सबरीना और नीडो रीना, पता नहीं कैसा नाम है। ओके ओके दो तीन लात पड़ी हैं हमें बहुत जोर वाली। पैरालाइज है यार हमारा पोकेमोन, हमें स्विच करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं स्विच करने वाला हूँ उससे। इसके बाद मैं अपने पोकेमोन्स का लेवल वापस बढ़ाने जाऊँगा, मतलब हेल्थ बढ़ाने जाऊँगा। ओके पिजियॉट, और सबसे पहले मैं एक साइकिक पोकेमोन अपनी टीम में रखने के लिए सोच रहा हूँ। और गाइज मैंने तुम्हें ना बताया हो तो मेरा जो ईवी था, मतलब जो बीवी था, तो उससे फायर टाइप मूव मिल गया है फ्लेम थ्रोअर। उसका जब मैंने लेवल अप बढ़ाया ना तो अपने आप एक फायर टाइप मूव मिल गया, तो ये अच्छी बात थी। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ था उस समय जब मेरा एक नया फायर टाइप मूव मिला था, क्योंकि यार बिना फायर टाइप मूव के क्या काम का कोई पोकेमोन। तुम ही बताओ कि अगर हमारे पास एक फायर टाइप मूव ना हो तो क्या काम का वो पोकेमोन जिसके पास फायर टाइप मूव ना हो। फायर टाइप पोकेमोन के पास फायर टाइप मूव ना हो तो वो किस काम का। इससे बेटर मैं उससे कोई और पोकेमोन रख लूँ। ओके तो हम जाने वाले अपनी लाइफ को वापस हील करने। गाइज वैसे मुझे कितने पोकेमोन्स के, मतलब इस वाले गेम में कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं, आई थिंक कि म्यूटू होगा और आर्टिकोन होगा, ज़ेपेटॉस होगा, मोल्ट्रेस होगा मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से पता नहीं है बट आई थिंक ऐसा कुछ होगा। ओके तो गाइज अभी मैं पोकेमोन स्विच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा, नहीं यार मुझे एक ज़रूरत है, मुझे एक अलिका सैम की ज़रूरत है, मुझे लगता है मुझे एक अलिका सैम की ज़रूरत है। ओके तो बिल्स के पीसी में पड़ा होगा ना, देखता हूँ मैं अलिका सैम को रख के, यहाँ पर वैसे काम आएगा। ओके तो मैं बीवी को हटाने वाला हूँ अपनी टीम से। गाइज देख लो मैंने सारे पोकेमोन्स के लेवल बढ़ा चुके हैं, देख रहे हो मेरे लेवल्स पोकेमोन के। अलिका सैम को रखना पड़ेगा, हालांकि हमारा अलिकाजाम लेवल 40 का है पर वो संभाल लेगा, मुझे पता है, मुझे अपने अलिकाजाम पर इतना विश्वास तो है कि यार संभाल लेगा। वैसे हमारा गाइस बीवी को कम मत समझना, बीवी का लेवल अभी जो बढ़ा है ना वो तो वो बहुत पावरफुल हो चुका है, मतलब कम मत समझना उसे। सब सोच रहे थे कि बेकार अभी कम लेवल का है, सब लोग मतलब तुम में से इतनी कमेंट्स आ रही थी कि बीवी को हटा दो यार, मतलब कैसे हटा दूँ यार, इमोशंस जुड़े हैं उस पोकेमोन के साथ में, इमोशंस है मेरे, तो मैं कैसे हटा दूँ, तुम ही बताओ मैं कैसे हटा दूँ उसे, वो हमें मिला है यार तो मैं उसे कैसे हटा दूँ। इसलिए मैं उसे अपने फाइनल टीम में रखूँगा, अभी फ़िलहाल तो मैंने हटा दिया है बट मैं रखूँगा फाइनल टीम में अपनी रखूँगा। ओके गाइस तो जियोवानी के पास हम आ चुके हैं, मुझे डर लग रहा है, रियली मुझे डर लग रहा है, ये जियोवानी है मुझे पता है, ये जियोवानी है मुझे पता है, मैं देख के समझ गया ये जियोवानी है, मुझे डर लग रहा है इससे रियली, कैसे लड़ूंगा पता नहीं, सबसे टफ होने वाली है। वेलकम टू माई हाइड आउट। ओके इट शॉल बी सो अंटिल आई कैन रिस्टोर टीम रॉकेट, सो इट्स फॉर्मली ग्लोरी ग्लोरी बट यू है, थक गया, यू हैव फाउंड मी अगेन सो बिट। ओके वन मोर, यू शॉल फेस जियोवानी द ग्रेटेस्ट ट्रेनर। ओके तो हम लड़ने वाले हैं गाइस जियोवानी से, जो कि हमारी फाइनल जिम बैटल है, 8th बैच मिलेगा हमें इससे जीतने के बाद में। ओके देखता हूँ उसके पोकेमोन, भाई ये क्या मजाक है क्या, ओए ये मजाक है क्या, इसके पास में गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी, राइहॉर्न पहले वाले पोकेमोन से हैं क्या यार इसके पास में, जो जिनसे हमने पहले लड़ा था, अगर ऐसा है ना तो मैं इसे ईजिली हराने वाला हूँ, ईजिली बहुत ईजिली। मुझे नहीं पता था कि जियोवानी के पास में पुराने पोकेमोन्स, मुझे लगा कि फाइनल में म्यूटू ना हो सकता है इसके पास म्यूटू हो, मुझे नहीं पता, देखता हूँ उसके पास म्यूटू होगा ना तो सच में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा लड़ना मुश्किल होगा बट कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे फिर भी। ओके वैसे ये पहले भाग गया था यहाँ से जिम से, पता नहीं कहाँ टीम रॉकेट कब्जा करके बैठा था, और जैसे ही मैंने उन्हें वहाँ से भगाया ना अपने जिम में चुपचाप आ गया, मतलब देख रहे हो चुपचाप हारने के बाद जिम में आ गया, कुछ तो मतलब रखना चाहिए ना। ओके हमारा ड्रैगनर लेवल 55 का हो गया, डग ट्रियो। ओके भाई इसके पास में अभी 5 और पोकेमोन्स हैं, 4 या 5, अर्थ को एक हिला डाला यार, ओ भाई पूरी धरती हिल गई, पूरी धरती हिल गई भाई,
ओके डक्ट्रियो, देखते हैं डक्ट्रियो को हम कैसे हराते हैं। वाह वाह एक अटैक। मैं मुंबई वाली स्टाइल में क्यों बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक मूवी देखी अभी, उसमें ऐसे बात कर रहे तो मैं बेसिकली वैसे ही बोलने लगा सच में। ओके हमने इजीली हरा दिया गाइस इसको भी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मैं पोकेमोन स्विच करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है स्विच करने की। मैं आईसी का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि आईसी इनके खिलाफ में बहुत इफेक्टिव होगा। एक वॉटर टाइप मूवसन है यार, इसके पास आइस बीम है और ऐसे कुछ मूव्स है तो यूज़फुल होंगे। आई थिंक मुझे ब्लिज़र्ड भी सिखाना चाहिए। ठीक है मेरे पास वैसे हाइड्रो पंप है तो हाइड्रो पंप तो बहुत इफेक्टिव है। हाइड्रो पंप की तो वाट लगा दी यार इसकी। ओके तो एक अटैक का काम था। ओके गाइस सुपर इफेक्टिव थे ये चीज़। वाओ मेरा आईसीआर मुझे बहुत काम आने वाला है। वैसे गाइस मैं अगर फाइनल टीम में अपने सोचो, अगर मैंने अपनी फाइनल टीम में एक अल्गज़ैम को रख लिया ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ पर पहले से एक अल्गज़ैम होगा। थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा बट थोड़ा सा घाटा भी हो सकता है। और अगर हमारे पास एक फायर टाइप पोकेमॉन नहीं हुआ तो हमें ये बहुत दिक्कत का काम है। फाइनल टीम में यार एक फायर टाइप पोकेमॉन बहुत ज़रूरी है। और वैसे मैंने ग्रावलाइट को पकड़ लिया है शायद, मुझे याद नहीं है। मैंने एक वैसे पकड़ा तो था। ओके तो मुझे लगता है यार कोई दिक्कत नहीं यार, बीबी भी काफ़ी इफेक्टिव होगा, संभाल लेगा यार। मुझे अपने पोकेमॉन्स पर विश्वास है, मैंने अपने पोकेमॉन्स का काफ़ी लेवल बढ़ा लिया है तो मुझे यकीन है कि मैं हरा दूंगा फाइनल में। ओके भाई ये नीडोकिंग तो काफ़ी पावरफुल है। ओके देखते हैं कितना इफेक्टिव होने वाला है। लेवल 45 कम से कम यार 60 लेवल का होना चाहिए था। ओके गाइस तो हमने हरा दिया जीवानी को, मुझे पता है हार चुका है जीवानी। थैंक गॉड मैं 7 जिम मेडल जीत चुका हूँ अपनी, 8th जिम मेडल है हमारी। ओके गाइस तो हमने हरा दिया है जीवानी को और हम जीत चुके हैं हमारा 8th जिम बैच। ओके अर्थ बैच हमें मिल गया है जीवानी का अर्थ बैच। चल निकल, पहले भी हराया और अभी भी निकाला, चल निकल यहाँ से, चल निकल। ओ भाई ये चीज़ का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, तुम सभी को इंतज़ार था। फाइनली हमारा ड्रैगनर इवॉल्व हो रहा है, फाइनली। गॉट इट भाई, मुझे ड्रैगनाइट मिल गया मेरी टीम में। वाओ देख रहे हो गाइस मेरी फाइनल टीम में ड्रैगनाइट है, तुम लोग देख रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। ओके विंग अटैक मिला। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लगा ड्रैगनाइट हमारी टीम में अब। ओके ट्विस्टर विस्टर पता नहीं कौन कौन से हटाने पड़ेंगे, ड्रैगन रेज ट्विस्टर स्लैम। ओके स्लैम और ट्विस्टर तो शायद मुझे हटाना चाहिए, क्या लगता है मुझे किसको हटाना चाहिए? सबसे पहले मैं रेस्ट हटाने वाला हूँ गाइस, कोई काम का नहीं है फिलहाल रेस्ट। ओके तो गाइस तुम्हें कैसा लग रहा है अगर मेरे पास एक ड्रैगनाइट है, तुम लोग बताओ। मैं तो एक्साइटेड हो गया। द अर्थ वेज मेक्स पोकेमॉन ऑफ एनी लेवल ओवे विदाउट क्वेश्चन, इट इज एविडेंस ऑफ योर मास्टरी एज अ पोकेमॉन ट्रेनर, वैलिड, यू कैन चैलेंज द पोकेमॉन लीग, ऑल्सो टेक दिस TM, कंसिडर इज अ गिफ्ट ऑफ योर पोकेमॉन लीग चैलेंज। पोकेमेंजर रिसीव TM26 जीवानी से अर्थ को एक। ओके ओके गाइस तो हमने हरा दिया जीवानी को। एज अ टुडे टीम रॉकेट इज फिनिश फॉर एवर, एज फॉर माई सेल्फ आई शैल डेडिकेट फॉर माई लाइफ my life to training again, let me, okay, ठीक है। ओके गाइस तो मैंने हरा दिया 8th जिम मैच जीवानी को और जीत चुका हूँ मैं अपना 8th जिम मैच। अब हम यहाँ के ऑफिशियली यहाँ के हम जिम लीडर बन जाएंगे। तो ठीक है सब आ जाओ, मेरे माला वाला पहनाई जाए हमें, हमने 8th जिम मैच जीत ली है। सबसे पहले आओ सब लोग बधाइयाँ दो, मतलब बाजे क्यों नहीं बज रहे यार, मतलब हम 8th जिम मैच जीत चुके हैं तो ये क्यों नहीं कि पहले आके कोई बधाई अदाई दे। मतलब यहाँ का देखो मैं जिम लीडर भगा दिया यहाँ का, मैंने जिम लीडर को, अब मैं यहाँ का जिम लीडर हूँ। आओ ना यार कोई, क्या यार कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब 8 जिम मैचेस जीत ले कोई इज्जत ही नहीं है भाई की, देख रहे हो। अरे यार 8 जिम मैचेस जीतने के बाद भी कोई इज्जत नहीं तो क्या काम का। ओके शक्तिमान बन के हम वापस जाने वाले हैं। ओके गाइस तो वैसे आज हमने बहुत सारी मस्ती करी है और हमने हरा दिया वरेडियन सिटी जिम लीडर को। यहाँ के जिम लीडर जियोनी था यार, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मैंने इसे ईजिली हरा दिया सच में। मुझे मज़ा आ गया यार इसे हराने में, सबसे एक्साइटिंग बैटल थी ये मेरी, मुझे बहुत मज़ा आया जीवानी को फिर से हराने में, मतलब तीसरी बार हराया यार मैंने उसे। ओके गाइस तो अब हमारी एलीट 4 से बैटल होने वाली है फाइनल, हम चैंपियन बनने वाले हैं अब। मेरा सपना था कि रेड का सपना और मेरा सपना था कि हम लोग जिम लीडर बने, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे एडवेंचर में जुड़ने के लिए, हम गाइस बहुत मज़े करेंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो और सबसे बड़ी बात अपनी टिप्स देना मत भूलना, मुझे कमेंट्स में बताओ आगे मुझे करना क्या है, मुझे आइडियाज़ दो गाइस
और मेरी फाइनल टीम के लिए भी आइडियाज दो, तो जाओ और कमेंट में भर दो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।